वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये बेसिक फ़ोटोशॉप सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है। सीरीज़ मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ रहा हूँ जिनको फ़ोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप आता है तो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियोस देखने के बाद और साथ में प्रैक्टिस करने के बाद फ़ोटोशॉप आप बेसिक अच्छे से सीख पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में कि फ़ोटोशॉप क्या है, कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, फ़ोटोशॉप किसने बनाया, कब बनाया और किस तरह से फ़ोटोशॉप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप के इतिहास की, हिस्ट्री की। 1987 के अंदर की बात है, दो अमेरिकन भाइयों ने, थॉमस एंड जॉन ने मिलकर फ़ोटोशॉप बनाया था 1987 के अंदर। उसके बाद में थॉमस ने इसे नाम दिया था इमेज प्रो, लेकिन बाद में पता चला कि इस नाम से किसी दूसरे ने पहले ही ये नाम ले रखा है, तो फिर उसने दोबारा से रीनेम किया फ़ोटोशॉप के नाम से। जॉन उसी समय सिलिकॉन वैली के अंदर ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसकी प्रदर्शनी लगाई, फ़ोटोशॉप को दिखाया। वहाँ पे बहुत इंजीनियर और बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर आए हुए थे, और वहीं पे एडोब के डायरेक्टर रूशियल ब्राउन ने भी इसे देखा और लाइसेंस खरीदने का डिसीज़न लिया। फिर उसके बाद में कंपनी ने इसे एडोब फोटोशॉप नाम दिया और इसका पहला वर्जन 1.0 1990 के अंदर रिलीज़ किया। एडोब फोटोशॉप के अंदर जो एडोब नाम है वो कंपनी का नाम है, एडोब कंपनी का। आप एडोब फोटोशॉप को एडोब की साइट से परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री में ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ वर्जन्स के बारे में बता दूँ, हिस्ट्री वर्जन्स की। सबसे पहला वर्जन आया था 0.87 जो कि थॉमस एंड जॉन ने बनाया था। उसके बाद में 1.0 एडोब फोटोशॉप आया था, एडोब कंपनी ने रिलीज़ किया। उसके बाद में 2.0 3.0 ये आते गए, और इस सीरीज़ के अंदर 7.0 वर्जन जो बहुत पॉपुलर हुआ था 2002 के अंदर आया था। उसके बाद में CS और CS2 इनकी सीरीज स्टार्ट हुई। CS6 तक आने के बाद में स्टार्ट हुआ CC, और अभी लेटेस्ट CC 2015 जो कि जून 2015 के अंदर रिलीज़ हुआ था। अब बात करते हैं फ़ोटोशॉप क्या है। फ़ोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये पिक्सल बेस्ड एंड रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है। फ़ोटोशॉप का उपयोग आज के समय में बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है। फ़ोटोशॉप को न केवल इमेज प्रोसेसिंग करने, इमेज को एडिट करने के लिए किया जाता है, वो तो किया जाता है ही, फ़ोटो स्टूडियो के अंदर फ़ोटोशॉप को यूज़ किया जाता है, इसके अलावा भी ग्राफिक्स के अंदर भी फ़ोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वेबसाइट का टेम्पलेट सबसे पहले फ़ोटोशॉप के अंदर तैयार किया जाता है, विजिटिंग कार्ड बनाना हो या फिर दूसरे ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी जहाँ पे काम होते हैं उनके अंदर फ़ोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। फ़ोटोशॉप के दो फाइल फॉर्मेट रहते हैं, .psd और .psb। .psd स्टैंड्स फॉर फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट और .psb स्टैंड्स फॉर फ़ोटोशॉप बिग। एक PSD फाइल की मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ 30,000 पिक्सल हो सकती है और इसकी लेंथ लिमिट 2GB से अधिक नहीं हो सकती। .psb की मैक्सिमम हाइट और विड्थ लिमिट 3 लाख पिक्सल है और इसकी लेंथ लिमिट है 4 हेक्साबाइट, अराउंड 4 हेक्साबाइट, इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो आप फोटोशॉप को adobe.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप उस फोटोशॉप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप फोटोशॉप ओपन करें। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम फोटोशॉप में वर्क करेंगे। फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मेन्यू बार है, फाइल एडिट इमेज, ये मेन्यू बार है, और उसके बाद में यहाँ पर टूल बार की प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी बार है। टूल्स के किसी के भी ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में लेफ्ट साइड में ये टूल बार है यहाँ पे, और राइट साइड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बाद में यूज़ में लेंगे।
और ये जो एरिया है यहाँ पे हम कोई भी फोटो तैयार करेंगे, ओपन करेंगे तो वो दिखाई देगी, ये कैनवास एरिया होगा। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं, जिससे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कोई भी नई डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइज़ मिलेगी और आप कस्टम अपनी इच्छा से भी तैयार कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको फ़ोटो तैयार करनी है तो फ़ोटो लेंगे, फिर फ़ोटो के बाद में यहाँ से फ़ोटो की साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको हाइट और विड्थ किस में चाहिए, इंच में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, सेंटीमीटर मिलीमीटर पॉइंट्स किस में चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन का दूसरा नाम पीपीआई या डीपीआई भी है। पीपीआई मीन्स पिक्सल पर इंच, डीपीआई मीन्स डॉट पर इंच। मैं आपको सबसे पहले पिक्सल के बारे में बता रहा हूँ कि पिक्सल क्या होता है। कोई भी फोटो पिक्सल से बनती है, पिक्सल से बनी हुई होती है। अगर आप पिक्सल देखना चाहते हैं किसी भी फोटो को ओपन करें और उसको जूम करें, जितना जूम करेंगे वो फोटो फटने लगेगी। जब फटेगी तो आपको वहाँ पे स्क्वायर के अंदर अलग अलग कलर के अंदर बॉक्स दिखाई देंगे, वही पिक्सल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे इस फोटो को मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो जूम करेंगे तो ये देखो यहाँ पे फटनी स्टार्ट हो गई और इसके अंदर ये पिक्सल दिखाई दे रहे हैं। ये एक जो स्क्वायर है ये पिक्सल है, एक दो तीन ऐसे ये पिक्सल हो गए। कोई भी फोटो पिक्सल से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे जो 300 है वो पर इंच में 300 पिक्सल लेगा। तो 300 लेगा कैसे, जैसे मैं एक इंच का ही लेके आपको बता रहा हूँ, विड्थ तो राइट एक इंच ले रहे हैं, समझने में आसानी रहेगी कि पर इंच, एक इंच मैंने हाइट लिया, एक इंच विड्थ लिया और रिजोल्यूशन में यहाँ पे 300 ले रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लैक ले रहा हूँ। ओके किया, ये ब्लैक मैंने बैकग्राउंड कलर किया इसका। इसको जैसे जैसे जूम करेंगे यहाँ पे आपको पिक्सल दिखाई देने लगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से अगर एक एक पिक्सल हम काउंट करेंगे ऐसे 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे भी हम काउंट करेंगे तो यहाँ तक जो पिक्सल है वो 300 पिक्सल है, और ऐसे भी 300 पिक्सल है, यहाँ ऐसे भी 300 पिक्सल है। तो 300 ऐसे है, 300 पिक्सल ऐसे है। प्रिंट करवाना है हमें फ़ोटो को, 300 पिक्सल बेस्ट रहता है। और यदि हमें फ़ोटो को ऑनलाइन यूज़ में लेना है या फिर कंप्यूटर में या मोबाइल में देखने के लिए यूज़ में लेना है तो 96 या 72 सही रहता है, एक स्टैंडर्ड ये माप है। रिजोल्यूशन के बाद में आता है कलर मोड। RGB और CMY के दो कलर पॉपुलर कलर मोड हैं। RGB वेब कलर के अंदर उपयोग में लिया जाता है, डिवाइस में देखने के लिए कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल में ऑनलाइन वेबसाइट पे डालने के लिए। CMY के कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो CMY के कलर के अंदर प्रिंट करते हैं। कलर के बारे में और अधिक जानकारी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। और फिर उसके बाद में बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर यहाँ से जो भी आप देना चाहें वो सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद में ओके करें। नीचे एडवांस्ड में आप कलर प्रोफाइल अपनी इच्छा से दूसरी भी चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और पिक्सल आपको स्क्वायर में चाहिए स्क्वायर पिक्सल, अगर आपको DVC, NTFC, PAL में या अलग रेशियो में चाहिए, वाइड में चाहिए तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे और ये हमारी सीट ऐसे आएगी। न्यू के बाद में आता है, हम बेसिक फ़ोटोशॉप है तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ोटोशॉप एक बार आने लग जाए, आने लग जाएगा तो आप धीरे धीरे एडवांस ऑटोमेटिकली सीखने लगेंगे। न्यू के बाद में हम यूज़ करते हैं ओपन। ओपन से आप किसी भी फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं और फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन के बाद में ओपन इन ब्रिज और ओपन एज, ये अलग तरीके से फ़ोटो को ओपन करते हैं। ब्रिज के अंदर खूब सारी फ़ोटो दिखाएगा और फिर ओपन करेगा।
उसके बाद में ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वो बाद में देखेंगे। ओपन रीसेंट से पहले की जो फ़ोटो ओपन की हुई है फोटोशॉप में, लास्ट 20 फोटो दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और क्लियर रीसेंट फाइल लिस्ट से आप इनको क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको फिर ये नहीं दिखाएगा, रीसेंट आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा। जब रीसेंट होगी तो दिखाएगा। उसके बाद में क्लोज और क्लोज ऑल, क्लोज करने से एक फ़ोटो क्लोज होगी, जैसे मैं क्लोज करूँगा तो ये फ़ोटो क्लोज हो जाएगी। क्लोज ऑल करूँगा तो जितनी भी खुली हुई है सब क्लोज होगी। ये सेव करने का पूछ रहा है, मैं नो कर रहा हूँ इसको एक बार। और फिर उसके बाद में आता है क्लोज ऑल से हो गई क्लोज एंड गो टू ब्रिज। क्लोज करने के बाद में ब्रिज पे दिखाए और उसके अंदर आप फोटो सेलेक्ट करिए, ओपन कर सकते हैं। ब्रिज ओपन की तरह ही वर्क करता है, वहाँ से फोटो ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। आप ओपन को यूज कीजिए। अभी आता है सेव एंड सेव एज। फोटो के अंदर आप कुछ भी एडिटिंग करेंगे, उसके अंदर ऐसे कुछ भी किया और उसके बाद में जब सेव करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि किस नाम से और किस फॉर्मेट में सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये .psd फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के जो फॉर्मेट है उसी में करेगा। यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर, दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, JPG, PNG, GIF, किसी भी फॉर्मेट में। और सेव एज करने से उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी सेव होगी। नॉर्मली हम सेव यूज़ में लेते हैं, अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी यूज़ में लेनी है तो आप सेव एज उपयोग करें। तो आज हम इनके बारे में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टूल बार्स के बारे में। टूल बार के लिए एक नहीं, दो या तीन वीडियो हो सकते हैं जिनके अंदर हम टूल बार के बारे में विस्तार से हम सीखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।